एक ऐसा मांस लाई हूँ जो सिर्फ घर की चीज़ों से ही तैयार हो जाएगा। सबसे पहले तो हमारा मैन जो होगा वो है मुल्तानी मिट्टी। ये तो सब आप सभी जानते होंगे और ये समर के दिनों में बेस्ट होता है स्किन के लिए, जिसमें हम मिलाकर लगाएंगे टमाटर, लीमू एंड बेसन। चले आए बनाते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। टमाटर के मैंने छोटे पीस कर लिए हैं, जो मैंने मिक्सी जार में डाल दिए। अब जो ये बेसन मुल्तानी मिट्टी थी इसको भी हम मिक्सी जार में डाल देंगे। हाफ लेमन लेंगे, वो हम इसी में ही निचोड़ देंगे अच्छे तरीके से। ये फेस के लिए समर में सबसे बेस्ट है, स्किन के लिए, वाइटनिंग के लिए, पिगमेंटेशन के लिए ये मास्क समर के लिए तो बेस्ट है और इसका रिजल्ट भी जस्ट लाइक अ वाव। अब मैं इसको ग्राइंड करके फिर दिखाती हूँ। मैंने इसको फाइन चॉप कर लिया है, फिर हम इसको एक बॉल में कर लेंगे। इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर मिल्क शामिल करेंगे, वो मिल्क जितनी हमें इसकी अपने फेस के मुताबिक जितना आपको चाहिए उतनी आपको मिला लेंगे। और एक और बात, अगर आप इसके अंदर और ग्लो देना चाहते हैं फेस के अंदर, तो हम इसमें थोड़ा सा हनी भी ऐड कर देंगे। तो इस मास्क के अंदर और ज़्यादा शाइनिंग आ जाएगी और फेस पर बहुत ही ज़्यादा ग्लो भी। अगर आप वीक में इसे दो बार भी इस्तेमाल करते हैं बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे इसके। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं इसको आपको लगा कर दिखाती हूँ और फिर इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। अप्लाई करने का यही तरीका है कि आप अपने फेस को पहले वॉश कर लें अच्छी तरह से, फिर आप इसको अच्छी तरह अपने स्किन पे लगाएं। ट्वेंटी मिनट तक आप इसको लगा रहने थे। मैं वॉश करके फिर आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। 20 मिनट बाद मैंने इसको वॉश कर लिया। आप इसकी शाइनिंग चेक कर सकते हैं किस तरह का ये ग्लो कर रहा है मेरा है, जबकि ये इतना ग्लो नहीं कर रहा है। आप मेरे हैंड पे शाइनिंग और वाइटनिंग देख सकते हैं कि ये मेरा हाथ कितना ग्लोइंग कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है, इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करिएगा।